हाँ तो दोस्तों आइए आज की क्लास में विनायक कोचिंग क्लास से शेड्यूल आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे कि कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, मैंने पहले भी हालांकि लिए इनपुट आउटपुट की क्लास पर वो इतना डीपली नहीं बताया था मैंने, आज पर्टिकुलर एक इनपुट आउटपुट की पूरी क्लास है। पहले क्या है, मैंने डिवाइडेशन में बताया था 10-10 15 मिनट की क्लास थी और वो एक तरीके से मोटा मोटी आपका इंट्रोडक्शन था, पर ये वाली जो क्लास है ये एक तरीके से पर्टिकुलर आपकी पूरी क्लास है जिसमें आपको कैसे क्या होता है, इनपुट और आउटपुट कैसे कैसे सिस्टम होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं क्लास के क्लास में नए कोचिंग क्लास में शक्ल में। यूट्यूब चैनल आशीष बहादुर PCC आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आइए कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम होता है, क्या होता है कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख ही क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट में क्या सिस्टम होता है, इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट का मतलब, इनपुट का मतलब वो होता है जो ऐसे ऐसे उपकरण ऐसे डिवाइस की कमांड से आप इनपुट अंदर इंटर कंप्यूटर के अंदर जो इंटरेक्शन दे सकते हो, जैसे कि अगर देखा जाए तो कीबोर्ड जब आप यूज करते हो तो उसका जो इंटरेक्शन होते हैं तो वो सीधे कहाँ जाता है आपके सिस्टम, तो इनपुट होता है। प्लस जैसे कि आप प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होता है आउटपुट होता है क्योंकि बाहर प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। इसी तरीके अपन से इनपुट आउटपुट के सिस्टम पे जाएंगे जो आपके बारे में आपको हम बताएंगे उसको। तो आइए पहला आता है अपने इनपुट सिस्टम, क्या होता है सबसे पहले इनपुट, क्या होता है इनपुट सिस्टम, इनपुट उपकरण। अब देखो इनपुट उपकरण में क्या होता है, आपको क्या क्या आता है वो इस पर सबसे पहले डिपेंड वो करता है कि आपके इनपुट्स में आता क्या क्या। तो आप पता चलेंगे इनपुट पर, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर के जो मेन सिस्टम है, सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ता है। आप कभी भी कंप्यूटर पर काम करते हो सबसे पहले स्टार्ट कर रखना, आपका काम नहीं होगा तो शुरू करने की प्रक्रिया होती है। शुरू करने की प्रक्रिया के बाद में जो आपके डेस्कटॉप तक आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पे सामने कंप्यूटर का डायग्राम अच्छा करता हूँ, आपको पसंद है क्योंकि मेरी राइटिंग काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये अपना कंप्यूटर डिजाइन हो रहा है, हालांकि मैं बहुत बड़ा पेंटर तो नहीं हूँ पर ठीक है, छोटा मोटा आपके सामने कंप्यूटर का डायग्राम तैयार कर सकता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आए। यह आपके सामने कंप्यूटर का छोटा सा प्रारूप है जो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यह आपके सामने कंप्यूटर छोटा, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पे होता है स्टार्ट बटन का होता है, पहले तो बोलेंगे कि किसे क्या बोलेंगे, तो ये होता है आपके जिसे बोलते हैं अपन मॉनिटर, क्या बोलते हैं मॉनिटर, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और ये होता है माउस, ये इसके पार्ट्स होते हैं। मेन जो मेन अंग होते हैं ये होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लाइट का बोर्ड का स्विच भी लगवाना चाहूंगा क्योंकि बहुत से होते हैं कि लाइट सप्लाई कहाँ जाएगी पूछ ही लेंगे, देखो कोई ना कोई तो होता ही है जो इसे कहेगा कि ये क्या है, ये है LIGHT लाइट स्विच, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर में आपको बता दिया मॉनिटर CPU माउस कीबोर्ड या स्विच है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन में यहाँ पे एक बटन आता है जिसे बोलते हैं स्टार्ट बटन, पावर बटन भी बोलते हैं जिसे, वो प्रेस करने के बाद में पावर बटन प्रेस करने के बाद में जो आपके
सिस्टम पे विंडो डिस्प्ले होती है, विंडो जो आपके सिस्टम पे डेस्कटॉप व्यू होता है, वहां तक के आने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? बूटिंग। क्या कहलाता है? बूटिंग। वो क्या कहलाता है? बूटिंग। डेस्कटॉप तक आने तक के सिस्टम क्या करेगा? आपके बूटिंग करेगा। अब आपके इसके अंदर कंप्यूटर का ये सिस्टम भी स्टार्ट करते डिस्प्ले आगे बूटिंग चलाएगा, ठीक है। अब बूटिंग तक आ गए, अब ये इन सबको अलग अलग डिवाइडेशन में आपके पार्टीशन में बांटा गया है, ठीक है। अब आपके आते हैं बूटिंग हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, अब आपके जो भी वर्क करना है आप उस पर कर सकते हो उसी के ऊपर। अब आता है कि अपने कौन सा सिस्टम किसे कर रखा है, उसमें सबसे पहले चीज आती है बूटिंग हो गया। अब इसमें दो चीज आती है बूटिंग के बाद में, आता है आपके एक तो हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दो चीज होती है। हार्डवेयर का मतलब होता है इससे ऐसी चीज जिसे आप स्पर्श कर सकते हो, टच फील कर सकते हो, वो आती है हार्डवेयर। और जिसको आप यूज कर सकते हो वो आती है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिसे उपयोगकर्ता उपयोग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में आते हैं, और हार्डवेयर में जिसे आप स्पर्श कर सकते हो उसके भौतिक स्वरूप, इसमें आप भौतिक स्वरूप देख सकते हो, इसमें भौतिक स्वरूप टच कर सकते हो, तो ये होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये चीज होती है जैसे कि हमें एप हुए, टाइपिंग हुए, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, पर ये सब चीजें आप इनको छू सकते हैं कि हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर को इनमें भी दो डिवाइडेशन हो गए। फिर आपके हार्डवेयर में इनपुट आएगा, पहले तो जो मैं आपको मैं बताना चाह रहा था इनपुट। अब इनपुट में जिस ऐसी चीजें से उपकरण जिनसे आप कमांड देके उसके अंदर कार्य कर सकते हो वो इनपुट के अंदर कहलाते हैं। तो पहला आता है इनपुट में आपका आएगा कीबोर्ड, क्या आएगा? फर्स्ट टाइम कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में लिखिएगा कि कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला उपकरण इनपुट डिवाइस है, ये भी सही है, ठीक है। इसके अंदर 0 से लेकर 9, अब देखना सुनिएगा, 0 से लेकर 9 तक के कीज निकलेगा अच्छे से, उसको क्या कहेंगे? नंबरिंग कीज। क्या कहेंगे? नंबरिंग कीज या न्यूमेरिकल कीज, ठीक है। उसके बाद में होती है ए से लेके जो जेड तक होती है, जिसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिक कीज। क्या बोलेंगे उसे? अल्फाबेटिक कीज। फिर उसके बाद में आता है आपके F1 से लेके F12 तक, जिसे क्या बोलेंगे? फंक्शन कीज। क्या बोलेंगे उसे? फंक्शन कीज। फिर उसके बाद में आपके आती है इनपुट कीज, फंक्शन न्यूमेरिक कीज हो गई, अल्फाबेटिक कीज हो गई। तो अब आपके यहाँ उसके आती है आपके नेक्स्ट आती है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्मॉल लॉक। आपने सुना ही होगा कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल। ये होती है अपने जो कीबोर्ड के इस साइड में जो तीन लाइटें होती है, वो तीन लाइटों को कंट्रोल करने की, जिनसे बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे अपन? टॉगल कीज। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कुछ पार्ट्स पूछे जाते हैं कि टांगल कीज किसे कहते हैं, जिससे आपके क्या है तो इसके फीचर्स ऑन या ऑफ होते हैं। फिर ठीक है, फिर आपके आता है कंट्रोल, कंट्रोल और एल्टर, ये आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेशन कीज। क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेशन कीज। ये ध्यान रखना, लिखते जाइए आप बराबर, ये क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेशन कीज कहलाएगी आपके। तो ऐसे करके कंप्यूटर की, और फिर जो होती है स्पेशल कीज, जिसमें आपके एंटर स्पेस वगैरह ये क्या आते हैं आपके स्पेशल कीज के अंदर आते हैं, ये सब आपके स्पेशल कीज के अंदर आते हैं। जो भी स्पेशल कीज है जैसे उनमें सब में ये सब चीजें आती है आपकी। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से भी जिम्मे से ये चीजें कर सकते हो। ये कीबोर्ड का व्यू है, इसमें मेन क्वेश्चन ये पांचों पूछे जाते हैं, चारों पांचों याद कर लेना, 100% आने का इक्वेशन है RSCIT का। इसमें ये पूछ लेगा कि F1 से लेके F12 तक की केस को क्या कहते हैं, तुमको फंक्शन केस कहते हैं, या फिर ऐसे लेके जेड तक तो अल्फाबेटिक है, 0 से लेकर 9 तो उसे एरो, 0 से लेकर 9 नंबरिंग केस, एक एरो केस मैंने बोला है वो मैं आपको लिख रहा हूँ बोलकर, जो कीबोर्ड में जो सिंबल्स होते हैं इस तरीके से, इन केस को क्या बोलेंगे? एरो केस। एरो केस क्या बोलेंगे? एरो केस। तो आपके मोटा मोटे रूप में आपके पूरा कीबोर्ड कंप्लीट है। तो अब आइए हम आपके नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट का पहला हो गया कीबोर्ड, ये इम्पोर्टेंट है,
लीजिएगा स्टार मार्क क्वेश्चन है, 100% आता है, 100 और 101% आता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपने क्या टॉपिक चल रहा है, इनपुट और आउटपुट, जिसमें पहला है इनपुट आ रहा है, क्या इनपुट के डिटेल्स आपको बताया जा रहा है, ठीक। अब आता है अपने पॉइंटिंग डिवाइस, क्या आता है पॉइंटिंग डिवाइस, तो अब आप क्या आता है अब आता है फिर पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। आता क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब पॉइंटिंग डिवाइस में आपके पहला आता है आपके पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, क्या आता है पहला क्या आता है आपके माउस, ठीक है। अब माउस में क्या होता है, माउस के बारे में आपको बताऊंगा, देखना माउस के बारे में, सबसे लोकप्रिय डिवाइस जो है आपके माउस है, अब तक का सबसे लोकप्रिय डिवाइस जो है वो है माउस है, ठीक है। लोकप्रिय डिवाइस क्या है सबसे, माउस आटी प्रिंट पूरा बोर्ड आना चाहिए, सबसे लोकप्रिय डिवाइस क्या है, मतलब बोर्ड हो रही है कोई दिक्कत नहीं, सबसे लोकप्रिय डिवाइस है आपके माउस, हो गया फोन अभी शॉर्ट। अब माउस का अब सबसे लोकप्रिय डिवाइस और सबसे ज्यादा उपयोग करने के लिए काम आता है आपके माउस, ठीक है। अपन ऑफिस क्लास में आ चुके हैं हालांकि, तो अब इसके सब इसके अंदर भी देखना, अब आपके बॉटम में स्क्रॉल होता है, जिसे बोलते हैं स्क्रॉल, मतलब टायर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं अपन आज के लैंग्वेज में टायर टाइप में होता है, तो उससे क्या क्या होता है स्क्रॉल बार, जिसे ऊपर नीचे फाइल को ऊपर नीचे किया जाता है, इसमें दो क्लिक होते हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। और लेफ्ट एंड राइट का मतलब आपके जब स्पेशल कार्य स्लाइड, मतलब आपके नॉर्मल जब कार्य होते हैं सब लेफ्ट पे होते हैं टोटल कार्य, पर आपके जो स्पेशल वर्क होते हैं वो किस पे होंगे राइट पे, ठीक है। तो ये होता है माउस का यूज, ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपने टच पैड, क्या आता है टच पैड। अब टच पैड का क्या सिस्टम होता है, टच पैड में आपके क्या होता है, टच पैड में आपके जैसे हमने लैपटॉप यूज किया तो उसमें पूरी डिस्प्ले आपके फिंगर से टच के जरिए चालू होती है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन टच पैड, ठीक। टच पैड होता है वो, फिर होता है लिखते जाइएगा टच पैड के बाद में होता है ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट, फिर आता है लास्ट में जॉयस्टिक। ये सब आपके क्या पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके जरिए आप डिस्प्ले पे वर्क कर सकते हो, पूरा डिस्प्ले का हर एक पॉइंटिंग डिवाइस के जरिए होगा, जिससे आपका कंप्यूटर पूरा ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। फिर आएंगे अपन ग्राफिक्स टैब, ग्राफिक्स आजकल देखो देखो आधुनिक जमाना है, टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, आजकल प्रिंटर भी ग्राफिक्स टेबलेट्स ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं, तो इसलिए उसके लिए क्या होता है ग्राफिक्स फोटो वगैरह को एडिट करने के लिए ग्राफिक्स टेबलेट का उपयोग किया जाता है। फिर आता है आपके स्कैनर, स्कैनर का कार्य क्या होता है, आपके मतलब भौतिक स्वरूप को, मतलब आपके जो हार्ड कॉपी है जिसे डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका फोटो है, फोटो आपको कंप्यूटर के अंदर लेना है, तो उसका डिजिटल स्वरूप कहाँ से होगा, यहीं से होगा। फिर आते हैं अपन अपने मिडी डिवाइस पे, मिडी डिवाइस का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब म्यूजिक संगीत के लिए वाद्य, संगीत वाद्य यंत्र जो कि आजकल जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं संगीत वाद्य यंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद में आएगा आपके MICR, ये इम्पोर्टेंट है MICR, ये क्या है इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक बार ऐसे क्वेश्चन में आता ही रहता है क्वेश्चन,
इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब इसका क्या काम होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों को क्लियरिंग में काम आता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या काम होता है, बैंकों के जो चेक्स वगैरह होते हैं उन दस्तावेज को क्लियर करने और चेक करने के लिए काम आता है। जैसे हमने चेक करके सही दिया तो उसे कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसी मशीन के जरिए काम करेंगे। यह MICR कोड करेक्टर को डिजिटल डाटा में बदल देता है और कंप्यूटर समझ उसे लेता है। इसका क्या काम होता है, कोड को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके ये उसे कंप्लीट करके कंप्यूटर को समझने लायक बनाता है। तो ये होता है MICR। एक बार ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड इसकी फुल फॉर्म है। यह एक करेक्टर पहचानने की तकनीक है जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। ठीक है, आई बात समझे। फिर आते हैं अपन, आते हैं नेक्स्ट, ये टोटल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको OMR, वेरी फेमस OMR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर नहीं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी बोल दी थी मैंने, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR के फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक विशेष स्कैनर, यह विशेष स्कैनर है जो पेंसिल से के द्वारा किए गए निशानों को पहचानने और निर्धारण करने का कार्य करता है। आमतौर पर परीक्षा में प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा परीक्षा, क्योंकि आजकल सारे एग्जाम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है वो OMR शीट के जरिए होते हैं। आजकल थ्योरिकल एग्जाम होना बंद हो चुके हैं, आपको ऐसा भी एग्जाम दो, राजस्थान पुलिस दो, पुलिस कॉन्स्टेबल हो गया, अपने अधीनस्थ मंत्रालय का हो गया, या अदरवाइज दूसरे जैसे RPSC हो गई, थर्ड ग्रेड हो गई, IPS हो गई, UPSC, सब में टोटल आजकल OMR शीट का उपयोग किया जाता है। टोटल एग्जाम OMR के जरिए ही होते हैं, तो आपके उसके जरिए आपको पूरा डाटा कंप्लीट कराया जा सकता है, तो ये उसी के अंदर आता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ तक कि चुनाव आदि का सर्वेक्षण भी OMR सीट के जरिए से ही होने लग गया है। तो इनका सर्वे वगैरह ये सब किससे होते हैं, OMR के जरिए होते हैं, टेस्टिंग वगैरह सब आजकल OMR के पेंसिल के द्वारा बनाए गए स्केचों के द्वारा ही होती है। तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आता है OCR, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपका, ये चीजें आपके RSCIT एग्जाम में आने लायक है। तो आइए अपन आते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये बोलेंगे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, क्या करती है, ये एनकोडेड रूप में इमेजेस, प्रिंटेड एवं हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। ये व्यापक रूप से संचालक डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। OCR का यूज प्रिंटेड पेपर डाटा, रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट, दस्तावेज, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटर रसीदें, बिजनेस कार्ड, बैंक आदि में उपयोग किया जाता है। मैं देखो आपको इसका सीधा सीधा उदाहरण बताता हूँ, मैं आपको ये इंक की बोतल है, ध्यान से देखना इंक की बोतल है, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसके यहाँ पे देखो आपने ब्लैक कोडिंग देख रखी होगी, आप अच्छे से देख सकते हो ब्लैक कोडिंग हो रही है, ये ब्लैक कोडिंग। इसको रीड करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, ये मशीन OCR, जिसे क्या बोलेंगे OCR, क्या बोलेंगे जिसे OCR। ठीक है, आई समझ में आपको, सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको मैंने पूरा बता दिया। जैसे आजकल पेन, कॉपी, रजिस्टर्स, नोटबुक्स आपके सब टोटल OCR से के जाते हैं, तो उससे किस पे प्रयोग करेंगे, इससे OCR से, जिसे वो क्या बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर। फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्वेश्चन ये से आता है, जैसे कि आपके या पेंसिल से बने स्केच पेन है, वो पढ़ने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, तो OMR का उपयोग किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार OCR के लिए आएगा। अब आता है हमने PCR, PCR ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्तमान समय में बहुत चर्चा, बहुत ज्यादा चर्चित है। बेचारा OMR तो कभी कभी काम में आता है, ये तो रोज ही काम में आता है OCR। OCR मतलब बार कोड रीडर, फोन पे, गूगल पे, सस्ते पे, सब पे आजकल
प्रोफाइल पे एक बार कोडिंग के जरिए बताई जाती है, कि किसी का बार कोड स्कैन कर उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, तमाशा कार्ड के प्राइस, आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड के यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे करके था निशान आता चिन्ह आता है जिसे पढ़ने के लिए स्कैनर का उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बार कोड रीडर, ऐसे भी लैंग्वेज में आगे समझ लें PCR बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये सब क्या कहते हैं उस कोडिंग को पढ़ के उसके अंदर की डिटेल का निकालते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बार कोड रीडर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, मेरा फेवरेट डिवाइस है ईयरफोन, क्या बोलते हैं सर आजकल के लैंग्वेज में ईयरफोन्स, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, इसी के मतलब आजकल के लैंग्वेज में ईयरफोन, ये ऑडियो डाटा को पढ़ने का काम करता है, जैसे कि आप उसी बार अभी मैंने यूज कर रखा है, ये एक ईयरफोन स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस है, क्या ये स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस इसका प्योर नेम है, जिसे आज के लैंग्वेज में ईयरफोन, ईयरबड्स या ब्लूटूथ ऐसे ऐसे अलग अलग डिफरेंट नामों से जाना जाता है, और जिन नामों से बहुत चर्चित है उससे फेमस भी है, बाकी इसका ओरिजिनल नेम है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस या माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी बोलते हैं इसे। फिर आता है वेबकैम, वेबकैम इसका बहुत फेमस है, मतलब सेल्फी के लिए काम आता है स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स जितनी भी सेल्फी लेती है आजकल उसे फ्रंट कैमरे बोलते हैं, बाकी वो क्या कहलाता है वेबकैम कहलाता है, आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह सब वेबकैम से होती है, अभी मैं खुद शूट कर रहा हूँ वेबकैम से शूट कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है इनपुट डिवाइस है, क्या है ये इनपुट डिवाइस। अब ये तो हो गया आपके इनपुट डिवाइस, अब अपन आते हैं इनपुट डिवाइस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ये इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपके आते हैं आउटपुट डिवाइस पे, आउटपुट डिवाइस पे अगर इसके लिए अब आप पाइए आउटपुट के पॉइंट को अपन नीचे एनालिसिस करते हैं, तो पहला है आपका मॉनिटर, जी हाँ ये पहला है आउटपुट, अगर आपको आउटपुट डिवाइस के चलो कीबोर्ड इनपुट में आ गया, माउस इनपुट में आ गया, तो ये आउटपुट फिक्स है, इन सबसे कमांड करके इस पर करने के लिए ये आपको प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या हो गया ये आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसमें पहला आता है MONITOR मॉनिटर, मॉनिटर का पहला जो था वो था CRT मॉनिटर, क्या था CRT मॉनिटर, आपने देखा होगा पुराने जमाने की टीवी, देखिए ना जिसके अंदर एक बड़ी सी कैथोड ट्यूब उपलब्ध थी, जैसे होती थी वो इतनी बड़ी हुआ करती थी वो टीवी, वो क्या कर रहे थे, CRT मॉनिटर, वो क्या कर रहे थे CRT मॉनिटर, इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब काम करती थी, ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक में पे चलती थी और ये काफी महंगी हुआ करती थी, अभी प्रेजेंट टाइम में अब इसे कन्वर्ट, अब ये तो पहले का प्रारूप था, अब इसके बाद में आता है फ्लैट मॉनिटर, फ्लैट मॉनिटर, ठीक है फ्लैट मॉनिटर में पहला फ्लैट मॉनिटर मतलब पतले, ये तो CRT का आकार में काफी बड़े थे, आप होते हैं पतले पतले मॉनिटर, ठीक है जैसे आपके आप आजकल के डिवाइस देखते हो, ठीक है अब फ्लैट मॉनिटर में आपके पहला कौन सा आता है, फ्लैट मॉनिटर, फ्लैट मॉनिटर में आपके पहला आता है LCD, जी हाँ दोस्तों LCD, LCD फुल फॉर्म लिख लो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या नाम है इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अच्छे से ध्यान रखना है सेटिंग में आने वाला क्वेश्चन 100% आता भी है LCD, LCD फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन LCD, ठीक है अब इसे LCD की क्यों कहते हैं, एक होता है LED, मैं आपको बताना चाहूंगा LED, इसकी फुल फॉर्म लिखिए पहले लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED की लाइट इमिटिंग डायोड, अब आप कहोगे कि दोनों है तो एक ही जैसी फ्लैट मॉनिटर, तो इनको अलग अलग भागों में क्यों डिवाइडेड किए गए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि LCD होती है, LCD का क्या काम होता है कि उसके अंदर जो आपके आप जब LCD के सामने आप बैठते हो तो उसके एक सामने ही व्यू बनता है, उसकी जो पराबैंगनी किरण होती है वो सामने की तरफ प्रकाशित होती है, ठीक है तो आप बैठोगे तो उसके सामने से आपको उसका व्यू से ही दिखेगा, जो भी आप मूवी XYZ जो भी देख रहे हो, पर अदरवाइज आप जैसे साइड में जाके देखते हो किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको उसमें काली काली छाया दिखेगी, ठीक है परछाई दिखेगी उस वीडियो की, तो LCD मॉनिटर का उदाहरण है। और फिर आता है अपने LED, LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो किसी भी एंगल से देखो आप
आपको हर एक एंगल से वो अच्छे से दिखाई देगी, जिसे बोलते हैं अपन एलईडी। आजकल एलईडी में भी अलग अलग आने लगे, 4K LED, QLED, XYZ, जो भी आता है एलईडी काफी ज्यादा फ्लावर आने लग गए हैं। पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, LCD और एलईडी। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक बार अच्छे से सुन लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी दो फॉर्म है। यह इम्पोर्टेंट है, हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है एलसीडी की फुल फॉर्म, एलईडी की फुल फॉर्म, और ये बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी, तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो ये आपका मॉनिटर पहला टॉपिक पूरा होता है। आउटपुट का, आउटपुट का पहला टॉपिक कौन सा था? मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर पहला होता है सीआरटी मॉनिटर, दूसरा होता है फ्लैट मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर सब बड़े होते हैं, पर फ्लैट मॉनिटर पतले और छोटे होते हैं। वह आजकल काफी सस्ते हैं, मतलब उन्हें एक टाइम पे काफी मिल जाते हैं। ये उन्होंने दोनों डिफरेंट होता है, लाइट फ्लैट मॉनिटर लाइट कम खाते थे और वो ज्यादा लाइट खाते थे, मतलब खपत ज्यादा होती थी। ये उनमें दो दो डिफरेंस होते हैं। फिर आता है प्रिंटर। अब प्रिंटर आता है, प्रिंटर प्रिंटर क्या है? सबसे बड़ी चीज प्रिंटर, प्रिंटर का नाम किसी भी आपके बनाए हुए फाइल डॉक्यूमेंट किसी भी चीज को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी, जैसे कि आपने कोई भी फाइल तैयार की, उससे बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करोगे? प्रिंटर का। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, उसके लिए किसका उपयोग करोगे? प्रिंटर का। प्रिंटर प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थायी पठित प्रारूप में प्रदान करने एवं हार्ड कॉपी, जिसे अपन हार्ड कॉपी कहते हैं, क्या स्थायी पठित प्रारूप में प्रदान करता है इंफॉर्मेशन को। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपा होता है, मतलब जो आप प्रिंट देते हो कागज पे छपा निकलता है। प्रिंटर की गुणवत्ता, सबसे बड़ी चीज इसके क्वेश्चन क्या आता है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो नापी जाती है डीपीआई, डीपीआई डॉट्स डॉट्स पर इंच। क्या होती है? डॉट्स पर इंच, डीपीआई डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच में नापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? डॉट्स पर इंच। आर एस एटी में लाइफ 100% क्वेश्चन है, ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए। डॉट्स पर इंच का 101% आता है, डीपीआई सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। अब इसमें पहला आता है, वन प्रिंटर में ये पहला आता है इंपैक्ट प्रिंट। क्या आता है? देखिए इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंकपेट प्रिंटर में पहला आता है करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर कौन सा था? करेक्टर प्रिंटर, इसके बारे में सुनिएगा, लिखिएगा। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक ही करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक ही प्रिंट, एक ही अक्षर प्रिंट कर सकते हैं। करेक्टर प्रिंटर सबसे लोकप्रिय उदाहरण है, तो इसका सबसे लोकप्रिय फेमस जो प्रिंटर है करेक्टर प्रिंटर का, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो बिलोगिरा छापते हैं ना आपके, उसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी वेज प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर हेड के छोटे छोटे, क्या इसमें लिखना देना सुनना अच्छे से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर हेडर में छोटे छोटे सक्रिय पिन होते हैं, और साथ में एक इंक व इंक बार व साथ में इंक वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट में इमेज बनाता है। ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं, शोर भी करते हैं। इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े बड़े व्यापारिक व्यवसाय में काम काज में किया जाता है, जहाँ 80 से 132 कॉलम के पेजों में सतत मुद्रण की जरूरत होती है। तो ये होता है आपके, क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर, इसमें डेसिबल और डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है। फिर आता है आपके लाइन प्रिंटर, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके, लाइन प्रिंटर। ठीक है, इसी का आपके लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के बारे में आप लिखना। लाइन प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। परंपरागत रूप में लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से? लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तीन भागों में से वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंट हेड और हेड का उपयोग किया जाता है, जो सारे पिनों के विद्युत यांत्रिक द्वारा पेपर तथा प्रिंट हेड के मध्य उपस्थित एक रिपिन के बाद रिबन को बार बार छूने से वंचित अक्षरों को पेपर पर प्रिंट करता है, प्रिंट आकार देता है। इसकी इसकी गति प्रिंटर के गुणों के अनुसार 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट। अच्छा, तो समझ में आ गया आपको। इसके तीन प्रिंटर हो गए, लाइन प्रिंटर,
चैन प्रिंटर, रैम प्रिंटर, ये 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट छाप सकता है। इसमें विद्युत यांत्रिक के जरिए अक्षरों का आकार दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपके इंकपेट हो गया। अब नॉन इंकपेट प्रिंटर, नॉन इंकपेट प्रिंटर का मैं आपके आता है पहला इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो पहला कौन सा आता है कि इंकजेट प्रिंटर, आमतौर पर ये इंकजेट प्रिंटर के बारे में लिखना, आमतौर पर ये हर घर घर में उपयोग करने वाला प्रिंटर, इसे बहुत मतलब सस्ता आता है, कलर का कलर कार्ट्रिज के जरिए इसके अंदर प्रिंट आउट होती है, इसलिए घर घर में यूज होता है। तो इसके बारे में लिखे, घर में उपयोग के लिए प्रिंटर का सबसे आम प्रकार कलर इंक जेट प्रिंटर है। ये प्रिंटर प्रिंटर हेड की शेप के छोटे छोटे बूंदों के छिड़काव से के द्वारा पेज में इमेज बनाता है। रंगीन चित्र बनाने के लिए प्रिंटर के शेप में कई रंगों की जरूरत होती है। ये प्रिंट अपेक्षाकृत सस्ता होता है, लेकिन प्रिंटर की यूज होने के बाद कंस्यूमर जैसे प्रिंटर कार्ट्रिज की लागत उन्हें लंबे समय तक उपयोग के हिसाब से महंगा बना देती है। मतलब इसकी कार्ट्रिज काफी महंगी होती है, सस्ता पर इसके अंदर इंक डालने के लिए कार्ट्रिज अगर खराब हो जाए तो काफी महंगी पड़ती है, इसलिए मतलब महंगा प्रिंटर भी कहते हैं। फिर आता है आपके लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का कार्य होता है कार्यालय वगैरह में तो उपयोग ज्यादा होता है, वैसे प्रयोजन और सरकारी विभागों में क्वालिटी इमेजेज के उत्पादन में लेजर प्रिंटर के फोटो सेंसिटिव सामग्री लाइन प्रिंटर थर्मल प्रिंटर के चार्ज किया जाता है। इसके द्वारा एक लेजर प्रिंटर क्वालिटी के द्वारा देखो सीधी सीधी लैंग्वेज आजकल की जरूरत मशीन लेजर प्रिंटर का होता है। इसके अंदर एक रैम लाइट लेजर होती है जो अक्षरों को रैम पर प्रिंट करती है, वो अक्षर कागज पर छापते हैं, उसे क्या बोलते हैं लेजर प्रिंटर। फिर आता है थर्मल प्रिंटर। ये स्पेशल प्रिंटर पर ये स्पेशल पेज पर प्रिंट करने को गर्म तत्वों का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका एटीएम की जो आप स्लिप निकलती है वो थर्मल प्रिंटर का होता है। प्लॉटर जो आपके इंजीनियर जो गुणवत्ता कलाकृतियां निकालते हैं उसे प्लॉटर बोलते हैं। प्लॉटर मतलब आपने जैसे कि कोई ब्लू प्रिंट बनाई या फिर आपने 3D मैप बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसको प्रिंट करने के लिए आप प्लॉटर का उपयोग करते हैं। फिर आता है आपके स्पीकर आपने सुना ही होगा ध्वनि को बाहर सुनने के लिए स्पीकर का, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ये भी आपके आउटपुट डिवाइस में आता है। फिर कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों में आते हैं, जैसे फैक्स मशीन, मल्टीफंक्शन उपकरण, मॉडेम, ये क्या आते हैं आपके इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं। तो ये आपके इनपुट आउटपुट यहाँ तक तो पूरा था, अब आप समझोगे कि आप इनपुट आउटपुट क्या होता है। फिर अब आपने आपने देखना इधर, सबसे पहले आपने हुआ था कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। अब अपने आता है नेक्स्ट आता है मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी में आता है सबसे पहले आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च होते हैं, मेमोरी के भी काफी टाइप्स हैं, ठीक है। मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो मेमोरी में से डिवाइड किया गया, जिससे कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब कैश मेमोरी के अंदर आता है, कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ा देती है। यहाँ डाटा और प्रोग्राम उस भाग को रखा जाता है जिसमें सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा प्रोग्राम के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्प्ले, मतलब इसके अंदर जो कैश मेमोरी होती है इसके अंदर वो ही प्रोग्राम रखे जाते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब कैश मेमोरी में आता है पहला, फिर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है आपके रैम रोम ये सब प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है आपके। तो इसमें लिखो पहला प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या उन डेटा और निर्देशों को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा हो, जैसे कि बिजली बंद हो गई तो आपका डेटा गायब होने वाला, ये प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। इसे दो भागों में विभाजित किया है, रैम और रोम। रैम के फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसके दो क्वेश्चन ये पूछे थे, रैम या रोम, ठीक है। रैम के अंदर भी DRAM आती है, एक तो डायनेमिक रैम और एक SRAM स्टैटिक स्टैंडर्ड रैम। फिर आती है रोम, रोम में भी आपके सेम PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EPROM, ये चीजें ध्यान, ठीक है। रैम और रोम के अंदर यही काम करता है। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके डीवीडी, केसेट, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सब सेकेंडरी मेमोरी में आ गया।
इसमें हार्ड डिस्क, ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब किसमें आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। और एक बोलते हैं अपन ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में जैसे सीडी आती है, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की होती है डिजिटल वर्चुअलाइज्ड डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो सीडी की डीवीडी की कैपेसिटी होती है सीडी डीवीडी, तो सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 650 से 700 MB, ये चीज ध्यान रखना, सीडी की कैपेसिटी। और टीवी कैपेसिटी 4.7 GB, ये क्वेश्चन स्टार मार्क है, आया था बहुत कम है पर अच्छा क्वेश्चन। सीडी की कैपेसिटी कैपेसिटी होती है 650 से 700, और डीवीडी की होती है 4.7 GB, ये आप हमेशा ध्यान रखना। फिर आता है रोम डिस्क, ठीक है, रोम डिस्क मतलब सीडी कंपैटिबल डिस्क। फिर आती है कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको पता है सीडी बोलते हैं, जैसे डिजिटल वर्चुअलाइज डिस्क, मैंने बोला था डीवीडी डिजिटल वर्चुअलाइज डिस्क। फिर होता है फ्लॉपी, फ्लॉपी के अंदर कैपेसिटी 4 MB की कैपेसिटी, 3 से 4 MB की कैपेसिटी होती थी फ्लॉपी, काफी टाइम पहले फ्लॉपी ही ज्यादा यूज आती थी। फिर उसके बाद में सीडी आई, फिर डीवीडी आई, फिर मेमोरी कार्ड आया, फिर पेन ड्राइव आया। मेमोरी कार्ड में भी मैं आपको बताता हूँ, भी आगे आ रहा है वो भी, पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी बोलते हैं जिससे अपन, स्मार्ट मीडिया कार्ड एसडी कार्ड जिसे क्या बोलते थे अपन, स्मार्ट मीडिया कार्ड जो कैमरों के अंदर यूज होता है ना बड़ा बड़ा मेमोरी कार्ड, उसे बोलते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड। फिर था सिक्योर डिजिटल कार्ड, आपने कभी यूज किया सिक्योर डिजिटल कार्ड? नहीं किया? सिक्योर डिजिटल कार्ड सबने यूज किया, पूछो कैसे? एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड बोलते हो ना, उसे क्या बोलते हैं? सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड, आई समझ में? सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। ये ऐसे करके कुछ स्टोरेज के डिवाइसेस हैं। फिर आता है अपने विंडोज 10 कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशंस की जांच करना, मतलब उसकी क्या कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसमें आप जैसे करोगे प्रोसेसिंग वगैरह रैम रोम की जाँच करने के लिए, तो उसके अंदर सेटिंग का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर सेटिंग का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के मूल प्रणाली में जाकर, मतलब स्टार्ट मेन्यू में जाकर बेसिक इन्फॉर्मेशन में सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, और उसके बाद सिस्टम के अबाउट पर क्लिक करेंगे, और फिर आपके पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल एंड नॉलेज अब आपको पूरा हो चुका है, कंप्यूटर का पूरा हो चुका है, मेमोरी पूरी हो चुकी है। तो ऐसे करके आपको पूरा कंप्यूटर का प्रोसेस है जो आपके सामने, तो आपको बात क्या समझ में आई होगी कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट कैसे क्या होता है। आपने पूरा डायग्राम देख लिया है, कौन सा पार्ट को क्या करते हैं कैसे क्या होते हैं, ये सब आपके सामने। लैपटॉप भी आजकल आप चला ही रहे हो, लैपटॉप के अंदर टच पैड आते हैं, तो उनको टच पैड बोलते हैं, वो पॉइंटिंग डिवाइस है आपके। अभी जो एलईडी है जिनको जो क्या होती है आज के नए जमाने की होती है, जैसे लाइटमेटिक डायोड अधिकतर सब ये यूज करते हैं, वो कंप्यूटर से आजकल कोई बहुत कम यूज करते हैं, सब अधिकतर लैपटॉप यूज करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपके हैं कंप्यूटर का पूरा मॉडल। पर आगे भी मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा, हमारी क्लासेज और आती रहेगी, एडमिशन्स के लिए कोचिंग ओपन है, एनी टाइम कोचिंग ओपन रहती है आपके, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बराबर क्लासेज चलती है। उसके अदरवाइज आपकी केमिस्ट्री बायो 9th 10th 12th सभी की क्लासेस ले रहे हैं, RSC ITP GDCA कोई सा भी आपको कोर्स करना हो, BSc BCom कहीं पर भी आपको एडमिशन लेना हो, BA MBA वगैरह हर एक चीज़ में हमारे कॉन्टेक्ट है। प्लस अब आपको एडमिशन दिलाते हैं, प्लस हमारे पास प्लेसमेंट की भी सुविधाएं हैं, हम यहाँ मित्र कोर्स भी कराते हैं यहाँ पे, जिसमें बच्चे मित्र सीख के खुद सेल्फ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे यहाँ से 4-5 बच्चों ने सेल्फ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है मित्र सीख के, तो जुड़िए, आप भी जुड़िए। आपको भी जो भी कोर्सेज करना चाहते हो, और भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, आइए संस्थाओं का विजिट कीजिए, विजिट आप डेस्क पे आके पता बैठिए, हम आपको पूरी डिटेल देंगे, एडमिशन कराएंगे। प्लस फीस जो हमारी है, फीस हो सकता है हमारी फीस कुछ सब्जेक्ट में और उससे ज़्यादा हो, या कुछ में हम आपको कम भी दें, पर यह है कि हमारी क्वालिटी वो कभी कम नहीं होगी। जिसमें हमारी फीस ज़्यादा है तो उसमें हमारी क्वालिटी और मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी जो कम है वो तो सही फिक्स है, वो फिक्स जो हम ले रहे हैं, वरना अदरवाइज जो हमारी जो फीसेज है वो लिमिटेड है। उसके साथ में हम आपको आगे
क्या करना है उसके बारे में हम आपको मोटिवेट करेंगे हम आपको, ताकि आप एक अच्छा आपका प्लेसमेंट तैयार कर सको, आप जॉब के लिए आप प्रिपेयर आपका अच्छा कर सको। ऑनलाइन फॉर्म्स, वैकेंसीज, सबके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जो भी सिस्टम फॉर्मेटिंग, लैपटॉप वगैरह परचेज में भी सारे काम होते हैं। तो आइए आप जुड़े नए कोचिंग क्लासेस में, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। विनय कोचिंग क्लासेस शकरगढ़ का स्वागत करता है। आशीष बहादुर जी से हमारे चैनल का नाम है। अभी भी आइए, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8107709200। आइएगा, ओके भाई। आज का कोर्स होता है कंप्लीट, आज का क्लास का काम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।